गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम व्याकरण वैभव में पढ़ने जा रहे हैं पेज नंबर 59। अनेकार्थी शब्द, वर्ड विद डिफरेंट मीनिंग्स। कर को क्या कहते हैं? हाथ और हाथी की सूंड। घन को क्या कहते हैं? बादल भी कहते हैं। और घन, एक और घन का मतलब होता है हथौड़ा। ऐसे ही एक शब्द के, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं उन्हें अनेक अर्थी शब्द कहते हैं। जैसे पूर्व एक दिशा है, सूरज पूर्व से पूर्व में निकलता है, और एक मतलब होता है पहले, सूरज निकलने से पहले हमें जाग जाना चाहिए। योग मतलब जोड़, और योग यानी योगाभ्यास। दो और दो का योग चार होता है, और योगाभ्यास हमें प्रतिदिन योग करना चाहिए। हार, माला और हारना। श्वेता को कक्षा में प्रथम आने पर फूलों का हार पहनाया गया। रोहित शतरंज में हार गया। जग, संसार, एक बर्तन। इस जग को बनाने वाला ईश्वर है, जग भर कर रख दो। सोना, नींद और कीमती वस्तु। हमें सोना पसंद है, सोना आभूषण बनाने के काम आता है। जल, जलना और पानी। सूरदास का घर जलकर राख हो गया। जल ही जीवन है। वर, दूल्हा और वरदान। वर घोड़ी पर बैठकर वधू के घर जाता है। दशरथ ने केकई को दो वर दिए। पर, पंख और लेकिन। तितली के पर रंग बिरंगे होते हैं। दिनेश दुबला पतला है, पर खाना अधिक खाता है। ऐसे ही मतलब एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं, उसे अनेक अर्थी शब्द हम कहते हैं।